Narrate in your own words the theme of the play The Miracle Merchant. इसमें थीम पूछा गया है मिरेकल मर्चेंट प्ले का. ब्रीफली डिस्कस द स्टोरी ऑफ द प्ले द मिरेकल मर्चेंट. स्टोरी को डिस्कस करने के लिए बोला गया है या फिर थीम बोला गया है, तो आपने पूरी स्टोरी की समरी लिख देनी है. द मिरेकल मर्चेंट इज़ एन इंटरेस्टिंग प्ले. मिरेकल मर्चेंट यानी कि चमत्कारिक व्यापारी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्ले है. इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ यंग मैन हु परफॉर्म्ड अ मिरेकल टू गेट अ लोन ऑफ 20 pounds. ये प्ले एक ऐसे यंग मैन की कहानी बता रहा है जो कि 20 पाउंड उधार लेने के लिए एक चमत्कार परफॉर्म करता है, एक चमत्कार दिखाने की कोशिश करता है. ही सक्सीडेड इन परफॉर्मिंग द मिरेकल. और वो चमत्कार दिखाने में करने में कामयाब हो जाता है. बट ही कुड नॉट गेट द फ्रूट ऑफ हिज एफर्ट. लेकिन उसे उसके काम का कोई फल नहीं मिलता. लुइस कॉर्सेट वॉज एन आइडल यंग मैन स्टेइंग इन द कंट्री हाउस ऑफ हिज आंट. तो वो जो मिरेकल मर्चेंट था उसका नाम था लुइस कॉर्सेट. तो लुइस कॉर्सेट वॉज एन आइडल यंग मैन स्टेइंग इन द कंट्री हाउस ऑफ हिज आंट. लुइस कॉर्सेट एक जवान आदमी था जिसके पास कोई काम नहीं था, और वो अपनी आंट के बाहर की कंट्रीज में बुआ मासी चाची सबको आंट ही बोला जाता है. तो उसके आंट का नाम था मिसेस ब्यू विसल. तो उसके घर में रह रहा था. अनदर गेस्ट इन द हाउस वॉज जेन मार्लेट. और दूसरी जो गेस्ट थी घर में वो थी जेन मार्लेट. लुइस वांटेड अ लोन ऑफ 20 pounds फ्रॉम हिज आंट. लुइस को अपनी आंट से 20 pounds का लोन चाहिए था. His request for loan was rejected. लेकिन उसकी जो request थी वो reject कर दी गई. When he was feeling disappointed, his aunt announced that Dora Bitsold was joining them on Thursday. जब वो disappointed feel कर रहा था, निराश feel कर रहा था, तभी उसकी aunt एक letter लेके आती है और बोलती है कि Dora आ रही है उनके घर में Thursday को उनको join करने के लिए, उनके पास रहने के लिए. लुइस pretended to be shocked by the news. लुइस ने ऐसे प्रिटेंड किया, बहाना लगाया, जैसे कि वो शॉक्ड हो गया है बहुत न्यूज़ सुन के, बहुत उसको झटका लग गया न्यूज़ सुन के. ही हैड हर्ड दैट जेन एंड डोरा वर बिटर एनिमीज. क्योंकि उसने सुन रखा था कि जेन और डोरा दोनों बहुत पक्के दुश्मन हैं. द क्वल स्टार्टेड ओवर अ हैन. और उनकी लड़ाई एक मुर्गी के कारण शुरू हुई थी. दैट डोरा हैड सोल्ड टू जेन. जो मुर्गी डोरा ने जेन को सोल्ड की थी, बेची थी. विच हैड फेल्ड टू ले इवन वन एग. और उस मुर्गी ने एक भी अंडा नहीं दिया. दे एक्सचेंज्ड एब्यूजिव लेटर्स. उसके बाद वो एक दूसरे को लेटर्स में गालियाँ लिखकर भेजने लग गई. अ मीटिंग बिटवीन दैम कुड बी वेरी डेंजरस. तो उन दोनों का मिलना, क्योंकि जो जेन थी वो पहले से वहाँ आई हुई थी एज अ गेस्ट, तो ऊपर से डोरा भी वहाँ आ रही थी, तो अगर वो दोनों आमने सामने हो जाती तो वो डेंजरस होता. मिसेस ब्यू विसल वॉज अलार्म्ड बाई द डिवेलपमेंट. इस चीज़ से जो मिसेस ब्यू विसल सी वो अलार्म्ड हो गई, चौकन्नी हो गई कि ऐसा होना नहीं चाहिए. शी डिड नॉट नो हाउ शी कुड गेट रिड ऑफ जेन बिफोर डोराज अराइवल. और उसको अब समझ नहीं आ रहा था कि डोरा के आने से पहले पहले वो जेन से कैसे पीछा छुड़ाए. गेट रिड ऑफ मतलब पीछा छुड़ाना. लुइस अंडरटुक टू वर्क दैट मिरेकल. अब लुइस कहता है कि ये चमत्कार मैं करूँगा इन एक्सचेंज फॉर 20 pounds. और बदले में उसे 20 pounds चाहिए. ही वेंट अबाउट हिज वर्क विद कॉन्फिडेंस. उसने बड़े ही कॉन्फिडेंस से अपना काम शुरू कर दिया. ही हैड नोटिस दैट जेन्स फूड हैबिट्स वर कॉजिंग अ बिट ऑफ अनॉयंस टू स्टर्जिस द बटलर. अब जो जेन पहले से वहाँ रह रही थी एज अ गेस्ट, तो लुइस ने नोटिस किया कि जो जेन की फूड हैबिट्स हैं, खाने पीने का जो तरीका है, उसके बार बार मांगना, खाना मांगना बटलर से जो कि खाना बनाने वाला था उनके घर में, काफ़ी पुराना नौकर रखा हुआ था स्टरी जिसका नाम था, तो उसको वो बहुत एनॉय करती है. उसकी ये फूड हैबिट्स उसको बहुत नाराज़ करती हैं, वो गुस्सा चढ़ाती हैं. वो खींच जाता था, इरीटेट हो जाता था जेन से स्टरिज. He decided to use Sturridge as the instrument of his plan. अब उसने जो प्लान बनाया था उसका इंस्ट्रूमेंट उसने सोचा कि मैं Sturridge को बनाता हूँ अपनी चाल का मोहरा. He began to talk with Jane about the trouble given by servants in general. तो उसने कहानी जेन के साथ जो अपनी प्लानिंग की शुरुआत की वो ऐसे की कि सर्वेंट्स के बारे में जो ट्रबल होती हैं आम तौर पे,
उसके बारे में वो थोड़ी थोड़ी ऐसी बातें करने लग गया कि आजकल सर्वेंट्स बहुत ट्रबल देते हैं. ही सेड दैट रेगुलर स्टेयर्स लाइक स्टरिज बिकेम मेंटली डिफेक्टिव. और फिर उसने स्टरिज की बात शुरू कर दी कि जैसे स्टरिज जैसे हैं जो नौकर बड़ी देर से बड़े सालों से जो रह रहे होते हैं ना, तो वो मेंटली डिफेक्टिव हो जाते हैं, उनके दिमाग पे असर हो जाता है बिकॉज ऑफ द डलनेस ऑफ देयर डेली रूटीन, क्योंकि उनको रोज़ रोज़ सेम रूटीन में काम करना पड़ता है. ही एक्चुअली न्यू दैट स्टरिज सफर्ड फ्रॉम डिल्यूजन एस्पेशली अबाउट पीपल. लुइस उसको बताता जेन को कि लुइस को ये एक बात पता है स्टरिज के बारे में कि वो लोगों के बारे में भ्रम करने लग जाता है, उनके बारे में कुछ भी सोचने लग जाता है. ही बिलीव्ड दैट अ गेस्ट नेम मैटिल्डा शरिंगम वॉज द प्रॉफिट एलिजा एंड रिफ्यूज टू सर्व हर एनी फूड. अब वो उसके बारे में एक और वैसी कहानी बना के बता रहा है कि एक बार एक गेस्ट आई थी मैटिल्डा शरिंगम, तो उसको वो मुसलमानों का जो पैगंबर होता है वो समझने लग गया था एलिजा, तो मुसलमानों का पैगंबर समझ के उसने उसको फूड देने से मना कर दिया. ही टुक जेन टू बी ए क्वीन एनी. अब जेन को वो क्वीन एनी समझता है. स्टरिज थॉट जेन शुड बी डेड लाइक क्वीन एनी हु वॉज डेड. अब उसने ये भी बताया कि स्टरिज ये सोचता है कि जेन को क्वीन एनी की तरह डेड होना चाहिए, वो जिंदा क्यों है. ही कुड नॉट स्टैंड द आइडिया, ये बात उसे हजम नहीं हो रही दैट शी शुड बी हैप्पी एंड गे, कि वो खुश है और गे का मतलब भी जॉयफुल होता है, हैप्पी है, तो दोनों का मतलब एक तरह से खुशी है, हैप्पी एंड गे, कि वो इतनी खुश मिजाज क्यों दिख रही है, उसको तो मरी हुई होना चाहिए. ही माइट इवन थिंक ऑफ किलिंग हर. और फिर लुइस कहता है कि शायद वो जेन को मारने के बारे में भी सोच सकता है. वेन जेन फेल्ड टू बी फ्राइटेंड बाय दिस एज मच एज ही एक्सपेक्टेड. जब जेन को वो फ्राइटन करने में डराने में फेल हो गया, जितना उसने सोचा था उतना नहीं डरा पाया, लुइस मेड अ प्लान टू मेक स्टरिज अपीयर डेंजरस. फिर लुइस एक प्लान बनाता है कि वो स्टरिज को दिखने में भी डेंजरस बना देगा, कि उसके सामने जब स्टरिज जाए तो वो डर जाए, कुछ ऐसा प्लान उसने सोचा. ही टोल्ड स्टरिज टू टेक अप टू मिस जेन अ बास्केट हिल्टेड स्वॉर्ड. तो उसने स्टरिज को कहा कि मिस जेन के पास एक हिल्ट होता है तलवार, स्वॉर्ड तो आपको पता है तलवार होती है, बास्केट हिल्टेड स्वॉर्ड होती है, जिस तलवार की जो नीचे वाला पकड़ने वाला हिस्सा होता है जिसको मूठ बोलते हैं, वो बास्केट की तरह की बनी थी और उस बास्केट मतलब टोकरी के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, कुछ टोकरी टाइप का उसका पकड़ने वाला हिस्सा बना हुआ था. शी वॉन्टेड टू कॉपी आउट द इंस्क्रिप्शंस ऑन द हिल्ट. और उस हिल्ट के ऊपर जो भी इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई थी, कुछ लिखा हुआ था, उसको वो कॉपी करना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी, लिख के रखना चाहती थी कहीं पे. ही टोल्ड हिम टू कैरी द स्वॉर्ड विदाउट द शीथ. तो अब लुइस ने स्टरिज को बोला कि ये जो स्वॉर्ड लेके जाओगे ना तलवार, इसको नंगी लेके जाना, तलवार के ऊपर जो कवर होता है उसको उतार के, ताकि वो नंगी तलवार देख के डर जाए. स्टरिज डिड एज ही वॉज ऑर्डर. स्टरिज ने वैसे ही किया जैसे उसे ऑर्डर दिया गया था, क्योंकि स्टरिज बहुत ही सिंपल नेचर का बंदा था, उसे किसी की चाल वगैरह कुछ पता नहीं चलता था, समझ नहीं पता था कौन ट्रिक्स खेल रहा है उसके साथ, बस सिंपल अपना काम करना पता था उसको कि मुझे जो बताया जाएगा मैंने वो करना है. ही इज़ अपियरेंस विद द स्वॉर्ड टेरिफाइड मिस जेन. अब उसकी जो अपियरेंस थी, उसकी मौजूदगी उस नंगी तलवार के साथ, उस मौजूदगी ने, अपीयरेंस ने मिस जेन को टेरिफाई कर दिया, बड़ी बुरी तरह से डरा दिया. शी वॉज कन्विंस्ड दैट लुइस स्टोरी अबाउट द बटलर वॉज ट्रू. अब उसको विश्वास हो गया कि जो लुइस ने कहानी सुनाई थी बटलर के बारे में वो बिल्कुल सच्ची थी. सो शी डिसाइडेड टू लीव फॉर लंडन इमीडिएटली बाय द नेक्स्ट अवेलेबल ट्रेन. इसलिए उसने अगली ही गाड़ी पकड़ कर वापस लंदन जाना ही ठीक समझा. इमीडिएटली मतलब एट वंस, एकदम से उसने ये डिसाइड किया कि अगली जो भी ट्रेन है वो पकड़ के मैं चली जाऊंगी वापस. लुइस मेट हिज आंट एंड टोल्ड हर अबाउट द सक्सेस ऑफ हिज प्लान. फिर लुइस अपनी आंट से मिलता और उसको बोलता कि हमारा प्लान कामयाब रहा. शी हैड अ लेटर इन हर हैंड. अब जब उसको प्लान की सक्सेस के बारे में बता रहा होता है कि, तो आंट के हाथ में एक लेटर होता है. इट वॉज़ फ्रॉम डोरा. वो फिर डोरा की तरफ से वो लेटर आया होता है. इट सेड, और उस लेटर में क्या लिखा होता है, दैट डोरा हैड पोस्टपोन्ड हर विजिट फॉर अ मंथ, कि डोरा ने एक महीने के लिए अपनी विजिट पोस्टपोन कर दिया, अब वो एक महीने के बाद आएगी. लुइस वॉज शॉक्ड.
अब उसके सारे किए किराए पे पानी फिर गया। अब वो असल में शॉक्ड हो जाता है। ही कुड नॉट गेट द डिज़ायर्ड लोन। अब उसे फिर से वही जो लोन उसे चाहिए था 20 पाउंड का, वो नहीं मिल पाया। अनदर थीम इन द प्ले इज़ दैट वुमेन क्वल ओवर ट्रिफल्स। दूसरा जो थीम सब्जेक्ट है इस प्ले में दिया गया है वो है जो औरतों की लड़ाई झगड़ा दिखाया गया है छोटी छोटी बातों के ऊपर। डोरा हैड सोल्ड अ हैंड टू जेन। अब डोरा ने जेन को एक हैंड दी, बेच दी। द हैंड डिड नॉट ले एनी एग। उस हैंड ने कोई अंडा नहीं दिया। कितने दिनों तक, कितने महीनों तक कह सकती हो, सालों से लड़ाई चल रही थी तो सालों तक कोई अंडा नहीं दिया। सो फ्रॉम फ्रेंड्स दे बिकेम बिटर एनिमीज। तो दोस्तों से वो दुश्मनें बन गई। दे स्टार्टेड एक्सचेंजिंग अब्यूजिव लेटर्स। गालियाँ लिख लिख के एक दूसरे को लेटर भेजने लग गई। द प्राइस ऑफ द हैंड कुड हैव बीन पेड बाई मिसिज ब्यू विसल हु वॉज सच अ हॉस्पिटेबल लेडी। लेकिन उसकी प्राइस जो है, उसकी कीमत है, अगर मिसेस ब्यू विसल भी अदा कर देती, उसको चुका देती कीमत, तो उनके बीच में लड़ाई इतनी ज़्यादा ना बढ़ती।